तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ऐसे दो भाइयों की जो कि देखने में बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी लगते हैं, यानी बिल्कुल सिमिलर से फोन लगते हैं। तो जो वो फोन है वो है वीवो का T1 Pro 5G एंड सेकेंडरी जो उसका दूसरा वाला भाई है वो है IQ Z6 Pro 5G। देखा जाए तो इन दोनों फोन में आपको कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, या अगर इन दोनों फोनों में से अगर कंपनी का नाम हटा दिया जाए तो आप पहचान में ही नहीं पाओगे कि ये फोन किस कंपनी का है और ये फोन कौन सा है। तो दोस्तों जो IQ है वो वीवो का सब ब्रांड कंपनी है। जो इसमें लुक्स, जो इसमें फीचर आपको देखने को मिलते हैं वो सिमिलर से इसी फोन में देखने को मिलते हैं। इन दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है अगर इसकी कंपनी को हटा दिया जाए तो। आज हम करने वाले इस दोनों फोनों का डिटेल कंपैरिजन, उसमें हम देखेंगे क्या कुछ इसमें फीचर मिलने वाले एंड प्राइस भी यहाँ तक की सेम रखा गया है। ये करते हैं दोनों फोनों का कंपैरिजन। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड एंड क्वालिटी एंड लुक्स की। यार यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लुक्स की, तो दोनों में आपको प्लास्टिक का बैक पैनल देखने को मिलता है, प्लास्टिक की ही फ्रेम देखने को मिल जाती है एंड साथ में फोन का वेट 180 ग्राम का रखा गया है। वहीं पे देखते तो दोनों में मोनो स्पीकर आ जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर से इसके लुक्स है एंड बिल्ड एंड डिजाइन है, यानी कि जहां पे IQ लिखा है तो उसे मान लेना आप IQ का है एंड जहां आपको वीवो दिखा दे रहा है वहां आपको वीवो का माल लेना फोन। यहाँ पे सिर्फ नाम का फर्क है, अगर आप नाम छुपा लेते हो तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा फोन किस कंपनी का है। चलिए बात कर ले स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। दोस्तों डिस्प्ले में देखते हो दोनों फोन में आपको 6.44 इंच का फुल HD 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ एक सुपर AMOLED पैनल देखने को मिलता है। HDR10 के साथ ये सपोर्ट करती डिस्प्ले, वहीं पर बेजल्स आपको काफी पतले देखने को मिलते हैं। एक चीज जो फोन का सारा डिस्प्ले का मजा ही खराब कर देती है वो दोस्तों इसकी वाटर ड्रॉप नोट्स। जी हाँ दोस्तों, जो वाटर ड्रॉप नोट्स है वो पुराना फैशन हो गया है, वो पहले के फोनों में आया करता था, लेकिन अभी पंच होल कैमरा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको कॉस्ट कटिंग करते हुए वाटर ड्रॉप नोट्स दे दी गई है। प्रीमियम फोन में ये काफी डिसअपॉइंटिंग सा लगता है, क्योंकि जिसको अगर 20,000 के ऊपर फोन चाहिए तो वही चाहेगा कि उसको वाटर ड्रॉप नोट्स मिले, डेफिनेटली पंच होल कैमरे के साथ एक डिस्प्ले चाहेगा, तो इस पे थोड़ा काम करना चाहिए था। बाकी ऑलमोस्ट आपको सेम सिमिलर फीचर देखने को मिलते हैं, डिस्प्ले में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस में देखते हो तो दोनों ही फोनों में आपको Qualcomm का Snapdragon 778 Plus 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है एंड ये 6nm का प्रोसेसर है, तो काफी बैटरी एफिशिएंट भी है एंड मोर पावरफुल भी है। अच्छी गेमिंग दोनों ही फोनों में निकाल के दे देता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं रखा गया है। वहीं पर देखते हो तो 6 128GB, 8 128GB एंड 12 128GB तीनों वेरियंट्स का ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। वहीं पर Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, दोनों फोन फंटच ओएस यूआई पे काम करते हैं। तो यार प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर देखें तो 5.5 लाख के अराउंड इसका अंतुतु स्कोर आता है एंड काफी बैटरी एफिशिएंट भी है। तो 8 5G के आपको बैंड्स देखते हैं, आपको 8 लेयर लिक्विड कूलिंग चैम्बर सिस्टम मिल जाता है। गेमिंग करते हो तो प्रोसेसर भी हीट नहीं होगा, फोन को भी ठंडा रखता है। फिर अब बात कर ले कि फोन के कुछ डिफरेंसेस की, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रखा गया है। तो दोस्तों जो इसमें वाइब्रेशन मोटर एंड हैप्टिक्स मोटर होती है उसमें कोई सा अंतर रखा गया है, तो जो वीवो है वो आपको टाइपिंग में यानी कि हैप्टिक्स में काफी अच्छा फीडबैक दे देता है। फिर IQ में देखते हो तो गेमिंग के वक्त जो आपको वाइब्रेशन मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है, तो कोई ओवरऑल इतना बड़ा फर्क तो नहीं है, आपको सिमिलर से फर्क देखने को मिल जाते हैं। कैमराज में देखते हो तो दोनों ही फोनों में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। तो जो तीनों कैमरे वो सिमिलर से देखने को मिलते हैं एंड 16MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं बात कर ले स्मार्टफोन की बैटरीज की, बैटरी भी आपको 4700mAh की देखने को मिलती है एंड वहीं पर चार्जर आपको 66 या 67 वोल्ट का आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। दोनों में आप सिमिलर से रिकॉर्डिंग एंड फोटोज आप निकाल होगे, कोई भी क्वालिटी में आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बात कर ले स्मार्टफोन की प्राइस की, दोस्तों प्राइस भी दोनों ही सिमिलर रखे गए हैं। वहीं बात कर ले 6 128GB दोनों ही फोनों में आपको 23 से 24 हज़ार का देखने को मिल जाता है। मेरे ओपिनियन बताता हूं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो देखो अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जाते हो लेने तो IQ के फोन इतने ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलते, वही चाहते हो तो वीवो के फोन आपको ऑफलाइन स्टोर में काफी ज्यादा मिल जाते हैं, या बैंक ऑफर्स में आपको कोई सा भी स्मार्टफोन अच्छा मिल रहा है डील के साथ आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, अगर आपको डिटेल कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से कर देना लाइक एंड चैनल को जरूर से कर देना सब्सक्राइब, ताकि आप और इसी वीडियो देख पाएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।